नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी इन दिनों सुर्खियों में हैं। वजह है पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा दिया गया एक आपत्तिजनक बयान। डबरा में एक चुनाव सभा के दौरान कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बता दिया और प्रदेश में मानो सियासी भूचाल आ गया और बीजेपी को चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। फिर क्या था, बीजेपी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कमलनाथ के बयान के विरोध में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई बीजेपी के दिग्गज नेता अलग अलग जगह मौन धरने पर बैठ गए। कई जगह कमलनाथ का पुतला फूंका गया। सीएम शिवराज ने तो सोनिया गांधी को पत्र भी लिख दिया। यहाँ तक कि कमलनाथ के बयान से आहत होकर इमरती देवी ने के आंसू निकल आए और उन्होंने सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालने की मांग रख दी। मायावती ने भी कांग्रेस से माफ़ी मांगने की बात कही है। कमलनाथ के बयान के बाद मचे सियासी बवाल के बाद अब कांग्रेस के नेता माफ़ी की जगह सफाई देते नजर आ रहे हैं। सत्ता के फाइनल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे से ज्यादा पहचानते हैं आपको, तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाकर भूखे नंगे वाले बयान से अभी कांग्रेस उबर ही रही थी कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर एक बड़ी गलती कर दी। इस बार उन्होंने इमरती देवी को आइटम बताकर खुद पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा और बीजेपी ने लगे हाथ इसे दलितों और महिलाओं का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर लिया। कमलनाथ के इस विवादित बयान के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। भाजपा जगह जगह कमलनाथ का पुतला जला रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेता अलग अलग शहरों में मौन धरने पर भी बैठे। शिवराज पुरानी विधानसभा में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठे तो राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर में मौन उपवास पर बैठे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा समेत कई नेताओं ने ग्वालियर में मोर्चा संभाला। वहीं इमरती देवी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग की है। उधर बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी ट्वीट करके बताया है कि कमलनाथ को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा गया है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा है कि मेरा अपमान मैं सह लूंगा, लेकिन आज कमलनाथ आपने अन्याय की अति की है, पराकाष्ठा की है। ग्वालियर चंबल की माटी की एक बहन एक बेटी का अपमान किया है, शर्मानी चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी, ये कौन सा संस्कार, ये भारत की माटी ने तो नहीं दी, ये भारत के सोच में भी सम्मिलित नहीं है। अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। एक बहन का सम्मान करनी चला गया, नवरात्रि में करोड़ों करोड़ माताओं बहनों के सम्मान की सज्जियां उड़ाई। कमलनाथ जी से कोई उम्मीद है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर गए, दम्भ और अहंकार से भरे हुए। उधर अपने अपमान को लेकर इमरती देवी भावुक हो गई। इमरती देवी ने कहा, ये लोग मध्य प्रदेश को जानते, ये तो बंगाल से आए हैं, कहाँ के हैं पता नहीं, इन्हें मध्य प्रदेश में रहने का हक नहीं है। एक माँ बहन बेटी से इस तरह की बात कहना बहुत अपमानजनक है। नहीं, उनका बोलना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक ऐसी की महिला, हरजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है, और वो बंगाल का है। मध्य प्रदेश में महिला को नौदेवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है। और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता रंजा उस व्यक्ति को
क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो बाको हम क्या कर सकते, कुछ भी कह सकता है वो। बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की हूँ। मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखा है। वहीं बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है जिसमें इमरती देवी को देवी और कमलनाथ को राक्षस के रूप में दिखाया गया है। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर बीजेपी पूरी तरह कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस को सफाई देने के अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के कई नेता अब आइटम शब्द के कई उदाहरण देते नजर आ रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी यही किया, लेकिन उन्होंने राजगढ़ की कलेक्टर रही निधि निवेदिता का मुद्दा भी उठाया और कलेक्टर के खिलाफ बोले विवादित बोल भी बीजेपी नेताओं को याद दिलाए। मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं, हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर वन थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर थ्री दो थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर वन, आइटम नंबर टू, आइटम नंबर थ्री, किसी का भान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूँ, आपकी पोल खोलता, आपको बोलने का कुछ नहीं है। ये दो मुँह ही होता ना, दो मुँह वाले, वो कभी इस मुँह से बोलो कभी इस मुँह से बोलो, वो स्थिति है इनकी भारतीय जनता पार्टी की। और महिलाओं के असम्मान की बात करते हैं, वहाँ निवेदिता करके कलेक्टर थी राजगढ़ की, उसके बारे में ये कहा था कि कांग्रेसियों को दूध पिलाती, इससे ज़्यादा असम्मान क्या होगा? एक आईएएस ऑफिसर सीनियर महिला, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस शब्द में कहीं कोई ऐसा वो नहीं है, ये एक आम हम ही बोलते हैं वहाँ। अरे वो उठा के लाओ यार, वो आइटम उठा लो वहाँ, इसमें कौन आइटम में कौन सी वो है? ये तो एक आम चलन का शब्द है, इसमें कोई ऐसी महिला के खिलाफ कोई बात नहीं। जाहिर है कमलनाथ गच्चा खा गए, अब भले ही वे इस बयान को सही ठहराने का प्रयास करें लेकिन उन्होंने बीजेपी को मुद्दा दे दिया है, बीजेपी भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस मुद्दे को बीजेपी न केवल एमपी बल्कि बिहार के चुनावों में भी भुनाएगी, क्योंकि हाथरस कांड के बाद कांग्रेस जिस महिला और दलित अत्याचार के मुद्दे को उठा रही थी उसके हाथ से वो भी निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चोकसे। प्रभु जी, मुझे लगता है बोलने के लिए आज आपके पास भी बहुत सारे आइटम होंगे, तो शुरुआत इससे ही की जाए कि जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने कहा कि दो मुंह वाले, वो आइटम उठा लाना, तो निश्चित रूप से कि कमलनाथ जी किसी शादी में गए नहीं होंगे कि खाने का आइटम मंगाया होगा, किसी माल में भी नहीं गए कि कोई सामान का आइटम मंगाया होगा। तो चुनावी सभा में जो कुछ कहा है और जो कुछ तर्क दिए जा रहे हैं अब कि आइटम नंबर एक जयवर्धन सिंह है, आइटम नंबर दो अजय सिंह है, तो क्या मान लिया जाए कि किसी दिन AICC की बैठक हो जिसमें सारे नेता हों और फिर कहें कि अब आइटम नंबर तीन बोलने के लिए खड़े होंगे और मैं आइटम नंबर चार का आभार व्यक्त करता हूं जिन्हें मुझे बोलने का मौका दिया है, तो ये राजनीति किस दिशा में जा रही? होता ये कि एक छोटी सी हो सकता खेद व्यक्त हो जाता, मामले का पटाक्षेप हो जाता, लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया, वो लगातार इसको बढ़ा रही है, दिल्ली तक मामला चला गया है, केंद्रीय नेता इसमें कूद गए हैं, और कांग्रेस है जो लगातार इस लाइन को और बढ़ाती जा रही है और उसमें तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए मनोज जी, जो तर्क शब्द का प्रयोग कर रहे हैं इस मसले पर, तर्क नहीं कुतर्क ही है ये। तर्क कोई भी नेता नहीं दे रहा है कांग्रेस का, एक गलती हुई है उस पर सफाई मांग लेते वो, यदि मतलब माफ़ी मांग लेते वो बिल्कुल, तो शायद ये मामले का पटाक्षेप हो जाता। दिग्विजय सिंह इस मामले बहुत समझदार नेता हैं, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह दोनों पुराने जोड़ीदार हैं, उनको छोटे भाई बड़े भाई भी कहते हैं और तरह तरह की संज्ञाएँ दी जाती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दिग्विजय सिंह से एक गलती हुई थी 2013 में,
मंच पर ऐसे ही उनने माल कह दिया था अपनी सांसद को, और उसके बाद जब उनको लगा कि ये बयान उनका गलत है, अनुचित है, उन्हें तुरंत उसके लिए माफ़ी मांग ली थी। कमलनाथ जी वो गलती नहीं कर रहे हैं माफ़ी मांगने की, या वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसे पीसी शर्मा कह रहे हैं कि वो आइटम उठा लाना, तो पीसी शर्मा को इस अपने बयान में ये कहना था कि हमारे आइटम नाथ जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि AICC की बैठक हो, तो वहाँ पर कमलनाथ जी को प्रस्ताव रखना चाहिए कि आइटम नंबर 1 सोनिया गांधी जी, आइटम नंबर 2 प्रियंका गांधी जी। आइटम शब्द क्या है? आइटम मतलब कोई वस्तु है, बिल्कुल सही बात है, कोई वस्तु है। आइटम मतलब कोई माल है, बिल्कुल सही है, कोई माल है। लेकिन किसी महिला के संदर्भ में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। आप अपने घर की महिला के लिए कमलनाथ जी या पीसी शर्मा जी, अपने घर की महिला के लिए कोई भी कांग्रेस नेता या कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मंच से आइटम आइटम कर रहे हैं, उनमें से कोई भी एक नेता अपने घर की किसी महिला के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए आइटम शब्द का प्रयोग करके बता दे खुले मंच से, तो शायद ये शब्द जायज है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा वो अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल दलीलें दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। एक गलती हो चुकी है, उनसे स्वीकार कर लेते हैं गलती हुई है। अब कमलनाथ जी जिस तरीके की दलीलें दे रहे हैं उसको लेकर कि मैंने आज भी उसका नाम नहीं जानता, कमलनाथ जी क्या अपने विधायक का नाम नहीं जानते? तो फिर आपने 15 महीने राज कैसे कर लिया? आप जो है 4 साल से PCC चीफ कैसे हैं? आप 40 साल से मध्य प्रदेश में राजनीति कैसे कर रहे हैं? फिर तो वो जो इमरती देवी जो कह रही हैं कि बंगाल का आदमी, वो बिल्कुल सही बात है कि एक बाहरी आदमी आ गया है जिसको पता ही नहीं है। और इमरती देवी देखिए कितना अच्छी बातें कर रही हैं, कम पढ़ी लिखी महिला है, वो पश्चिम बंगाल नहीं कह रही है, वो कह रही बंगाल का आदमी है, बांग्लादेश भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल, बंगाल वो है जहाँ से काली पूजा दुर्गा पूजा शुरू हुई है, बंगाल वो है जहाँ के लोग सबसे कठिन देवी आराधना करते हैं। उस प्रदेश का व्यक्ति नवरात्रि के मौके पर ऐसे बयान दे जाए और उसके बाद उसको जो है ऐसे अट्टहास मिले, उसको दोबारा मतलब एक बार गलती करने के बाद बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। आपकी चुनावी मजबूरी हो सकती है कि चुनाव में आपको लगता है इससे नुकसान हो जाएगा, लेकिन चुनाव में कई बार फायदा भी तब होता है जब आप माफ़ी मांग लेते हैं। बिल्कुल, बड़प्पन दिखाएं, आज आपने बड़प्पन नहीं दिखाया, भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बिहार तक, पूरे देश में एक लहर सी बन रही है। कमलनाथ जी एक व्यक्ति हैं कांग्रेस के जिनके एक बयान के कारण पूरी कांग्रेस के नेताओं को नीचा देखना पड़ रहा है, तो उस पार्टी को सोचना चाहिए कि यहाँ पर चूक हुई है। दिल्ली का कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका इस बात के लिए माफ़ी मांग ले। हम तो आशा जैन जी जो उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रवक्ता है, जिनने बड़ी साफ गोई से कहा कि किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का बयान देना वो अनुचित है, निंदनीय है, वो इसको कहीं कतई स्वीकार नहीं करती। और एक बात और है, जैसे कमलनाथ जी नाम भूल गए इमरती देवी का जैसे वो दलील दे रहे थे, वैसे राजेंद्र जो सलूजा हैं, नरेंद्र सलूजा, वो आशा जैन को भूल गए कि ये कौन है। हाँ बिल्कुल, वो भी आशा जैन को भूल गए क्योंकि उन्होंने की पार्टी लाइन से हटकर बात की थी। मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस के अंदर से ही अब जो है सबको आइटम बोल देना चाहिए, आइटम नाथ, आइटम सिंह, उनको अपने हर आदमी के नाम के साथ एक जो है जैसे गोत्र लगाते हैं वैसे सबको आइटम लगा लेना चाहिए। तो यदि जायज दिखता है तो फिर हम भी स्वीकार कर लेंगे कि कहीं कोई गलती नहीं है, समाज स्वीकार कर लेगा कहीं कोई गलती नहीं है। जैसे विधानसभा में सीटों का आवंटन होता है 1 नंबर 2 नंबर, तो आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर, ये एक अघोषित प्रक्रिया कांग्रेस अपना सकती क्योंकि सदन तो इसकी इजाजत देगा नहीं। हाँ, विधानसभा के पटल जब कार्रवाई चलेगी तब भी देखा जा सकता है मनोज जी इसको। यदि भारतीय जनता पार्टी से कोई कहे कि सामने से अपना आइटम नाथ जी जवाब दें और उसके बाद कांग्रेस इस पर रिएक्शन नहीं देती है, स्वीकार कर लेती है, तो मान लेंगे कि वो जायज शब्द है। लेकिन ये वाकई में अनुचित शब्द का प्रयोग हुआ है, गलती हुई है। राजनीति नेता है, इंसान है, कहीं ना कहीं जो है शब्दों की मर्यादा भंग कई बार हो जाती है, कभी जुबान फिसल जाती है, बड़े बड़े लोगों से होता है, अटल जी से भी कई बार जुबान फिसली होगी उनकी, बड़े बड़े नेता हैं, सभी से हो सकता है क्योंकि उनको लगातार बोलना है, पब्लिक के मूड के हिसाब से बोलना है, उसको खुश भी करना, हंसाना भी है, उसको रुलाना भी है ताकि उनकी भावनाएं समझे, उनसे तादाद में स्थापित कर सके और वोट में कन्वर्ट हो सके। तो एक तरह का वोटों की तिजारत है ये, वोटों की तिजारत के लिए हर काम करना है उनको, लेकिन उस तिजारत में आपको एक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान रखने से कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से चूक हुई है, और उस गलती को स्वीकार करके बड़प्पन दिखाने की बजाय यदि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नाजायज है। और मनोज जी जिस तरीके से वो एक पोस्टर चल रहा है जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है, बिल्कुल महिषासुर मर्दिनी, और वो महिषासुर मर्दिनी, तो नारी को तो हमेशा से महिषासुर मर्दिनी माना जाता है, चाहे कोई सी भी नारी हो। और हम नवरात्रि में क्या, हम तो हर मौके पर इस देश की परंपरा है कि महिलाओं की पूजा करते हैं, क्या कमलनाथ जी अभी जहाँ जा रहे हैं चुनावी सभाओं में वहाँ पर कोई महिला कलश लेकर आती है तो क्या उसकी आराधना नहीं करते?
क्या आरती नहीं उतरवाते, क्या उसके कलश पर वो कुछ दान नहीं करते, हर जगह होता है ये, एक परंपरा है, इस देश की संस्कृति संस्कार है, जिस देश में है आप तो उसको मानते हैं आप उस परंपरा को, लेकिन आप यदि वैसी बातें करते हैं और उसके बाद फिर उसका अनर्गल प्रलाप करते हैं उस पर लगातार, तो ये बिल्कुल नाजायज सा कृत्य है। तो मुझे धार्मिक आख्यानों का सहारा लेते हुए के मिश्रा भी कह रहे हैं कि ये गलत तरीका है, हिंदू का अपमान है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए मनोज जी, यदि आपको एक चीज गलत लग रही है तो आप ये देखिए कि अभी हमने हाल ही में वो पोस्टर देखा है जिसमें कमलनाथ जी अर्जुन बने हुए, कृष्ण बने हुए हैं, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं, बकायदा मुकुट लगाए हुए हैं, इसके पहले भी देखा था हमने शिव भक्त, कोई हनुमान भक्त, राम भक्त, तरह तरह के ये जो पोस्टर आप खुद ही तो जारी कर रहे हैं, ये यदि एक अनुचित प्रयोग है तो उस प्रयोग को आपने भी तो शुरुआत करें, आप उसमें सहभागी, यदि सामने वाले ने आपके लिए कर दिया तो आज आपको बुरा लग रहा है। कांग्रेस के यदि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता ऐसा गलत बयान दे देते हैं, उनके खिलाफ आप एक पोस्टर इसी तरीके का कोई धार्मिक आख्यानों के साथ जारी करते हैं तब आपको वो स्वीकार होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी गलती हुई है। और गलती, अब मैं ये कहूँगा कि गलती कमलनाथ जी की तो छोटी गलती मान लेना चाहिए, पीसी शर्मा से लेकर जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो जो गलती कर रहे हैं उसको बार बार उस पर मुलम्मा चढ़ाने की, वो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ये सारे उस पाप के भागी हैं। एक नारी अपमान का जो पाप हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके सारे के सारे भागी हैं, और इसका सबक जनता को, इस पार्टी को या जो भी व्यक्ति है उनको सिखाना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने कहा वो तो एक, इस पर कोई भी इसको इनकार नहीं करेगा, लेकिन मायावती की जिस प्रकार से एंट्री हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि ग्वालियर से 250 किलोमीटर हाथरस में जो कुछ हुआ दलित महिला के साथ उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इस पर बवाल मचाया जा रहा है। मायावती एक ट्वीट करती हैं, इस पर आपत्ति जताती है, एक दलित महिला की वो बात करती हैं, तो बसपा चूंकि सारी 28 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, तो आपको लग रहा है कि बसपा को भी कुछ एक माइलेज इसमें दिख रहा है? और जो एक कैलकुलेशन हम लगा रहे थे कि बसपा की एंट्री से कांग्रेस को नुकसान होगा, तो वो नुकसान और उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल मनोज जी, बसपा पहली बार उपचुनाव में मैदान में है और पूरी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और ये जो मौका मिल गया है उनको, बसपा का जो पूरा वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है, पूरी पार्टी ही उस आधार पर बनी हुई है, और मायावती खुद दलित हैं, ऐसे में ये बयान वो अपने लेवल पे ले रही हैं जिससे कि एक वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए, जिसका नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर वोट बैंक जो है बसपा का वो कांग्रेस में ही चला जाता है मध्य प्रदेश में। यदि बसपा यहाँ 28 उपचुनाव में मैदान में नहीं होती तो वो वोट बैंक कांग्रेस के पास ही जाता, लेकिन इस बयान से वो वोट बैंक या तो बसपा के पास जाएगा तो कांग्रेस को नुकसान है, यदि बीजेपी के पास जाता है तो भी कांग्रेस को नुकसान है, तो यहाँ जाहिर है फायदा होता दिख ही रहा है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कि यदि बात करें, जैसे मायावती की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आजम खान ने एक बयान दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल वो खूब सुर्खियों में रहा था, और उसके कारण आजम खान पे पहली बार कार्रवाई हुई थी, 3 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था कि आप चुनाव में भाषण नहीं दे सकते, वो नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, चुनाव आयोग ने पहली बार कार्रवाई की। तब राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली की महिला आयोग ने एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को कि इस तरह के सभी को गाइडलाइन जारी की जाए, और चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी की थी, सभी अध्यक्षों से सभी दलों से कहा था कि आप ऐसी कोई भाषा का उपयोग ना करें जो महिलाओं के खिलाफ अपमानित होती हो, जो महिलाओं को अपमानित करती हो, सभी को संयम बरतना, और वो पहली कार्रवाई थी। लेकिन वो कार्रवाई ऐसी थी, सतही थी, कि 3 दिन तक आपने, इसके बाद भी लगातार बयान आ रहे हैं, पिछले चुनाव में भी आए हैं, अभी आप देख रहे हो लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे भाजपा दे रही हो चाहे कांग्रेस, अन्य दल भी देते हैं महिलाओं को लेकर, तो इस पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि हमने कई पिछली बार देखा था, 2017 की बात है जी, ब्रिटेन का मामला था, वहाँ पे सांसद ने कह दिया था कि महिलाओं को कम वेतन देना चाहिए क्योंकि ये कम काम करती हैं, उनकी बुद्धि कम होती है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था सदन से। एक मामला भी देश का भी है नीट वाला, जिसमें उम्र कम के आधार पर टॉपर की विवाद हो गया था। जी सही है, वो तो उनका एक माह का वेतन, जो वेतन भत्ते थे वो बस कर दिए, तो उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा था। और एक और मामला हुआ था वहाँ पिछले चुनाव में कि एक उम्मीदवार ने कह दिया था कि दूसरी महिला उम्मीदवार थी जो गर्भवती थी, कह दिया था कि बच्चों के नैपकिन बदलने में इनका टाइम चला जाएगा तो ये कैसे सेवा करेंगी लोगों की, तो उस पर बहुत बवाल मचा था और माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो जब हमारे देश में महिलाओं को लेकर इतनी सांस्कृतिक वो है, महिला को माता माना जाता है, पूजा जाता है, नवरात्रि चल रहे हैं, जब विदेशों में इस तरह की संवेदनशीलता दिखती है और मध्य प्रदेश में ये हाल है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारी संस्कृति और राजनीति किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल प्रभु जी, जो बात राजनीति की है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने, संभवतः देश का पहला मामला हुआ कि विपक्ष के किसी नेता के बयान पर सत्तारूढ़ पार्टी का कोई नेता, वो भी मुख्यमंत्री,
धरने पर बैठता है, 2 घंटे का मौन व्रत रखता है, पूरे प्रदेश में एक हलचल मच जाती है। बावजूद उसके जो विपक्ष है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, लेकिन इसको किस नज़रिए से देखें कि महिला केवल वोट की मात्र रह गई? क्योंकि हम टीवी पे भी देखते हैं, विज्ञापनों में भी देख रहे हैं कि अगर वो शेविंग क्रीम भी बिक रही है तो महिलाएँ उसमें दिखती हैं, ब्लेड भी बिक रही है जिनका महिलाओं उसको ही लेना देना नहीं, उसमें महिलाएँ दिखती हैं। और अब राजनीति में भी महिलाओं को वो केवल वोट के लिए होने लगा है, या वाकई राजनीतिक दल इसको लेकर गंभीर हैं? देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% तक आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल, उनकी बड़ी भागीदारी तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी संविधान में यह है कि महिलाओं को 30% आरक्षण उनके पार्टी के अंदर है। बिल्कुल, टिकट में भले विधानसभा या लोकसभा के टिकट में उतने स्थिति दिखाई नहीं देती है, लेकिन लगभग उसके आसपास ही टिकट मिलते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तो कमान ही महिला के हाथ में है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव नंबर 3-2 में जो भी माने प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी है वो भी जो है महिला ही है। तो और कांग्रेस में बड़े बड़े महिला नेत्रियां हुई हैं, इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक देश में राज किया है और लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है। तो ये कहना कि महिला ताई पाटिल को राष्ट्रपति बनाया, बिल्कुल ये कहना कि महिलाओं का सम्मान नहीं देती कांग्रेस, ये भी गलत है। लेकिन एक चूंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं एक चूक हो गई है, लेकिन वो चूक को जायज ठहराने की जो प्रक्रिया हो रही है वो गलत है। अब चूंकि चुनाव का मौका है इसलिए इस मामले ने बहुत ज़्यादा तूल ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को भी एक ये मुद्दा मिल गया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे महिलाओं के मामले बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो कभी भी नारी अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश वो राज्य है मनोज जी, आप याद कीजिए कि जब नाबालिगों से बलात्कार के मामले आए थे तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इसमें जो फांसी की सजा का कानून पारित करके केंद्र को भेजा था, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने लागू भी किया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, कन्यादान जैसी योजना शुरू हुई जिसको पूरे देश में अपनाया गया है। तो महिलाओं के प्रति सम्मान की बात है तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देना चाहें तो शिवराज सिंह चौहान वाकई में श्रेय के पात्र हैं। लेकिन अभी जो आज यदि हम घटना को देखें तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव चल रहे हैं, चुनावी फायदा लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, यदि कमला जी कल ही माफ़ी मांग ले तो शायद ये मुद्दा खत्म हो चुका होता। बिल्कुल, क्योंकि शिवराज जी ने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी उसमें भी यही मांगे, उनको कहें कि वो माफ़ी मांगें, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगने में पर अड़े हुए हैं, इसलिए अब राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला पहुंच गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक और पेज जो दिखाई दे रहा है जी, राजनीति कितनी बदतर हो गई है कि महिलाओं का मामला है। अभी कुछ दिन पहले एक मध्य प्रदेश का मामला था जिसमें राज्य महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की थी। नहीं, बिल्कुल, और जब ये मामला है जिसमें एडीजी का मामला पुरुषोत्तम शर्मा जी, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य महिला आयोग में शिकायत कराने जा रहे हैं, जब हमने भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से कल संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने बोलने से मना कर दिया। जबकि इसके पहले का जो मामला था पुरुषोत्तम शर्मा वाला, उसमें खुद होकर वो सामने आकर बाइट दे रही थी, उसने बयान जारी किया था, वो कांग्रेस के नेता की हैसियत से जो है बयान जारी कर रही थी उस मौके पर। और अब राष्ट्रीय महिला आयोग इसमें गंभीरता दिखा रहा है। राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, चूंकि वो कांग्रेस की हैं, सारे पदाधिकारी कांग्रेस के हैं, तो वो शांत बैठे हुए हैं। तो यदि महिला से जुड़ा मामला है तो इसमें कम से कम नारी सम्मान की तो बात हो, उस मामले में संज्ञान लिया जाए, पूछताछ करें, वो कुछ तो कार्रवाई शुरू करें। यदि महिला आयोग इसके प्रति गंभीर नहीं है तो फिर सोचा जा सकता है कि राजनीति किस स्तर पर हमारे देश की गिर चुकी है। बिल्कुल, राजनीति का स्तर अपनी जगह पर है, नारी सम्मान की बात है, अस्मिता की बात है, उसमें अपनी जगह पर सारी इन महिलाओं को एकजुट होना होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आज मंच पर भी देखें, वहां महिलाओं की तादाद कम थी, पुरुषों की तादाद ज्यादा थी। महिलाओं को ज़्यादा बाहर निकल कर आना चाहिए यदि वाकई उनको इससे अहम चोट लगी है तो, क्योंकि चोट तो लगी ही है स्वाभाविक तौर पर। जब पूरा देश उद्वेलित है जिस मामले को लेकर, पुरुषों में नाराजगी का अभाव है जिसको लेकर, अब देखिए राष्ट्रीय चैनल के एंकर महिला एंकर चिल्ला रही हैं जिस मामले को लेकर, जगह जगह पुतले जल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद गलती मानना नहीं, तो शायद मुझे लगता है कि ये एक अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है कि आपने एक गलती तो कर ली लेकिन उसके बाद गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। और ये अच्छी बात नहीं है किसी भी राजनेता के लिए, क्योंकि नेता वो व्यक्ति होता है जिससे देश और समाज सीखता है, उससे प्रेरणा लेता है और भविष्य की पौध भी उसी से तैयार होती है। ब्रजेश जी, नेताओं से तो समाज सीखता है, लेकिन आपको नहीं लगता समाज से भी नेताओं को सीखना चाहिए? जो प्रभु जी ने कहा कि जिस प्रकार से आप बयानबाजी कर रहे हैं, फिर उस पर कुतर्क कर रहे हैं, आप लगातार दलीलें दे रहे हैं, और अब यह मामला चूंकि राजनीति है, चुनाव होना है,
तो जब इसकी आड़ में ये हो रहा है कि जो गड़े मुर्दे जिस प्रकार से उखाड़े जा रहे हैं कि फलाने सांसद के लिए फलानी पार्टी के नेता ने कहा था या विधायक के लिए कहा था या किसी के लिए कहा था, तो एक बार फिर जिन मुद्दों को वो महिलाएं जो भूल चुकी हैं, जो इस दौर से गुजर चुकी हैं, हमने आंसू देखे आज इमरती देवी के, कई सारी और महिला नेत्रियों के साथ ऐसा हुआ है, फिर से उनको याद किया जा रहा है और दोनों दल के नेता उनको याद कर रहे हैं, अभी के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। सही है मनोज जी, अपने यहाँ कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया तो उसको भूला नहीं कहते। यदि ये माफ़ी मांग लेते, अपनी गलती स्वीकार कर लेते तो हो सकता है ये मुद्दा वहीं ठंडा हो जाता, लेकिन क्या कर रहे हैं कि वो अपनी गलती को दूसरों की गलती उखाड़ रहे हैं, मतलब अपनी लाइन जो खींची है उससे दूसरों की लाइन करने खींच कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये गलती नहीं की, उन्होंने भी की है, उन्होंने भी की है और भाजपा ने भी की है, कांग्रेस के लोगों ने भी की है, दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं खुद के आरोप को कमतर करने के लिए। मतलब आप एक अपराध कर चुके हैं तो दूसरों के अपराध गिना रहे हैं कि उनको भी कोई सज़ा नहीं हुई है, उन्होंने भी ऐसा किया। तो यदि कोई चीज़ आपने गलती कर ली और दूसरों ने भी वो गलती कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपको गलती करने का अधिकार मिल गया है, तो इससे बेहतर होता है कि वो इस गलती को स्वीकार कर लेते और मामले को यहीं वो करते। जनता से ज़रूर सीखना चाहिए, जैसा कि आप नवरात्रि चल रहे हैं, आप देखो पूरे समाज से सीखने की ज़रूरत है आपको, पूरे समाज एक देवी भक्ति में देरी आराधना में लगा हुआ है, तो समाज से यदि आप सीखते तो आज के टाइम पे ऐसा बोलने की आप हिमाकत ही नहीं कर सकते थे, ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। यदि हो भी गई है गलती तो उस पर माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन आप उसको और गलती पे गलती दोहराते जा रहे हैं तो मामला तूल पकड़ना ही स्वाभाविक है। पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है, जैसे पटेरिया जी बता रहे हैं, बिल्कुल चलो बिहार तक में चला गया है, यूपी से बिहार तक होते हुए चला गया है। तो ये बंगाल की बात कर ही रही है इमरती देवी, बंगाल की बात करी नहीं तो बंगाल में भी जाएगा ये मुद्दा, आपके माफ़ी ना मांगने के कारण पूरे देश में पहुंच गया, नहीं तो यहीं पे समाप्त हो जाता मनोज जी। बिल्कुल, चलिए अब समय और इजाज़त नहीं देता तो इसलिए हमको इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि मुद्दा तब समाप्त होगा तब होगा। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर दोनों दलों को या किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को ये सोचना होगा कि महिलाओं को उपभोग की वस्तु ना समझा जाए। हम इस देश में रहते हैं जहां हम कहते हैं कि नारी की हम पूजा करते हैं, लेकिन जब पुरुषों के झगड़े होते हैं तो गाली नारी को संबोधित करके दी जाती है, तो ये आम लोगों की मानसिकता है, इसको भी बाहर निकलना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपसे एक गलती हो गई है तो क्षमा तो वीरों का आभूषण होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा या पहले लंबे समय से सुनते आए हैं, तो इस क्षमा का उपयोग करके अगर इसको क्षमा मांग ली जाती तो संभवतः इतने सारे गड़े मुर्दे नहीं निकलते, कई सारे तर्क कुतर्क नहीं निकलते। और जिस प्रकार की राजनीति खासतौर से चुनाव में हम जो दौर देख रहे हैं कि रावण भी देख रहे हैं, चिंटू मिंटू भी देख रहे हैं और तमाम तारे आइटम नंबर भी आ गए हैं, और अभी चुनाव में चूँकि 3 नवंबर को वोटिंग होना है, तब तक ये चुनाव और जाने क्या रंग दिखाएगा ये देखना होगा। लेकिन ये एक बात तय है कि अगर जनता अवेयर हुई और जनता इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी तो राजनीतिक दलों को निश्चित रूप पर सोचना होगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और कौन सा सही रास्ता और कौन सा गलत है। सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।